इस्तीफा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। अभी ही 6 हफ्ते पहले ही वो टेकिंग सेरेमनी हुई थी और उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं ये कई सारे सवाल इस वक्त खड़े करता है कि आने वाले समय में ब्रिटेन का राजनीतिक तस्वीर क्या देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको यहां ये भी बता दें कि ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रेस ने इस्तीफा दे दिया है, शपथ के 6 हफ्ते के भीतर भीतर इस्तीफा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लिस्ट को लेकर कैंपेन चला था, कैसे लोगों का समर्थन मिला था और कई अहम मुद्दों को लिस्ट ने खुद उठाया था। लेकिन 6 हफ्ते, 1 महीने से ऊपर का वक्त और देखिए क्या हालात हुए, क्या वजह रही है, फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे उदय का, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए। उदय, बहुत बड़ा अपडेट है ये, ब्रिटेन की सियासत में, ब्रिटेन की राजनीतिक का एक तरह से पिक्चर पूरी बदल गई है। आज से 1.5 महीने पहले हमने देखा था वो तस्वीर जब लिज ट्रेस नजर आई थी, क्या कैंपेनिंग रही थी उनकी, लेकिन इस्तीफा क्या दर्शा रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूके से कि लिज ट्रस जो हाल ही में ही प्रधानमंत्री बनी थी, उनको अब इस्तीफा देना पड़ा है। उनके पार्टी के नेता भी उनका विरोध कर रहे थे, वह कह रहे थे कि लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी उनके खिलाफ मूव किया गया था यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में। और हम आपको ये बता दें कि बहुत निराशा थी उनकी सरकार में, जैसे आप कह रहे थे कि सिर्फ 6 हफ्ते के लिए वो प्रधानमंत्री रही हैं। उसके पहले बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दिया था और पूरा कंजर्वेटिव पार्टी, जिस पार्टी की वो सदस्य हैं, जिस पार्टी की वो नेता हैं इस वक्त, उन्होंने एक बहुत महान इलेक्शन रखा था। हफ्ते दर हफ्ते डिबेट्स चले पार्टी के भीतर, बहुत सारे प्रत्याशी थे और सिर्फ आखिर में 2 बचे, ऋषि सुनाक जिनका जो भारत से तालमेल है और लिज ट्रस, और फिर कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों का जो वोट हुआ था उसके आधार पे लिज ट्रस बनी थी। लिज ट्रस को शपथ यूके की महारानी ने दिलाई थी, महारानी का वो आखिरी कदम था उनके देहांत से पहले, और अब लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में भी ही लिज ट्रस को बहुत सारा विरोध का सामना जो है वो सामना करना पड़ा था। उनकी जो वित्त मंत्री है, उन जो यूके के चांसलर कहा जाते हैं, उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। जेरेमी हंट नए चांसलर अभी बने हैं। कल ही के दिन जो यूके के ऑन कटिंग नेशनल इंश्योरेंस एंड वी सेट आउट अ विजन फॉर अ लो टैक्स हाई ग्रोथ इकोनॉमी दैट वुड टेक एडवांटेज ऑफ द फ्रीडम्स ऑफ ब्रेक्सिट। आई रिकॉग्नाइज though, गिवन द सिचुएशन आई cannot डिलीवर द mandate ऑन व्हिच आई वाज इलेक्टेड by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Mera ek vision tha UK ko lekar, us vision pe main khada utarne ki prayas kar rahi thi magar nahi ho pa raha tha, is wajah se maine chitthi likhi hai UK ke raja ko aur UK ke raja ko kaha hai ki main istifa de rahi hu. We remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Mera uddeshya yahi hai ki UK ki stable rahe, UK mein koi aur jo hai wo crisis na aaye is waqt, aur jo vittiya sthiti hai उसको संभाला जाए, यही मेरा उद्देश्य था, यही हमारा जो है अभी भी मकसद है, और इस वजह से मैं अभी भी प्रधान बने रहूंगी, जिससे जिसके बाद कोई ना कोई मेरा जो सक्सेसर है जो मेरी जगह लेगा, वो जब तक तलाशा नहीं जाए तब तक मैं केटेकर प्रधानमंत्री के रूप में बने रहूंगा। बिल्कुल, तो लिज ट्रस के स्टेटमेंट को सुन रहे थे हम, उन्होंने अपने पद से, पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अब ब्रिटेन की राजनीति किस तरफ आलोक जी आपको जाती हुई नजर आ रही है? अभी हाल ही में लिज ट्रस ने यह स्टेटमेंट दिया था कि वो एक फाइटर है, उनकी पार्टी के विदन बहुत लोगों से उनको विरोध देखना पड़ा था। देखिए, पूरा पार्टी में जिस ढंग से उनका चुनाव हुआ, सांसद पहले भी उनके खिलाफ थे। एक तो बोरिस जॉनसन को जिस तरह से जिन लोगों ने धोखा दिया छोटी एक घटना को लेकर के कि पार्टी उनके घर पर हुई थी, सबसे बड़ा डिजास्टर जो कदम उठाया था पार्टी ने, और इसलिए ये पूरा ब्रिटेन के लिए क्राइसिस, जिस तरह से पाउंड पूरी दुनिया में जिस तरह से उसका पाउंड की कीमत गिरी, जो बहुत ही ताकतवर यूरोप में मानी जाती थी और यूरोप से भी कम हो गया। भारत के लिए जरूर सुविधाजनक होता है कि चलिए डॉलर के मुकाबले में पाउंड कमजोर है, लेकिन जिस तरह से देखें आप
तो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेबर पार्टी तो मुंह धोके कब से बैठी है, और ये लगातार यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला, जिसके लिए बोरिस भी एक समय में उसके विरोधी थे, लेकिन बाद में सत्ता में आने के बाद उन्होंने उसका समर्थन किया, पास भी कराया, भारी बहुमत मिला। तो लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रतिनिधि सभा है, जिसको कहते हैं सांसदों से हट करके, उन लोगों ने अपना जो कहते हैं कि ब्रिटिश रेसिज्म कहे कि भारतीय मूल के उनको स्वीकार न करके, क्योंकि वित्त मंत्री के रूप में जो काम बोरिस के साथ वित्त मंत्री के रूप में भारतीय मूल के उन्होंने किया ट्रक ने, वो खाली छोटे से कुछ के उनका परिवार के क्या संबंध है भारत में, उस मुद्दे को लेकर के उनको बनने में वंचित कर दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव कुछ हद तक जो नीचे के लेवल पर है सांसदों में समझती, सांसद भी यदि चुनते तो किसी को सही को चुनते, तो सांसदों का बहुमत इनके पास नहीं था। और सांसदों ने जब कल बराबर प्रोटेस्ट किया, आज पहली बार इतिहास में है कि दो मंत्री एक महीने के अंदर नए प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों मंत्रियों को, उन्होंने भी वक्तव्य भारत के मूल के लोगों के आने के, उनके रहने से, उनके परिवार के लोग आने का विरोध भी किया था। यदि आप हमारे हितों की दृष्टि देखें, हमारे दर्शकों के लिए, तो ये भारत विरोधी छवि, आप भारत के भारतीय मूल के लोग वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बिल्कुल। और इसी के तहत कुछ दिन पहले इंडियन ओरिजिन के ही मिनिस्टर, इनकी कैबिनेट के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में लिज़ ट्रस भी अपना स्टेटमेंट दे देंगी। उनके स्टेटमेंट को सुना आपने, बतौर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, उदय, हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।